ये वीडियो आप लोगों को बताएगा लोकल, ग्लोबल और फंक्शन स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब स्कोप की बात कर लेते हैं। तो मैं script.js को खोल लेता हूं क्योंकि यहीं पर मैं मेन कोडिंग करूंगा, और इसका कंसोल भी खोल लेता हूं कि कंसोल के अंदर मैं आपको मुख्य रूप से कोडिंग करवाऊंगा। और let a is equal to, अगर मैंने 8 लिखा यहां पर मान लो, और मैं यहां पर console.log a लिखूंगा, तो आप लोग कहोगे यार हैरी भाई टाइम पास मत करो यार, ठीक है 8 प्रिंट हो जाएगा, इतना भी टाइम पास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं कहूं कि यार चलो मैं टाइम पास कर रहा हूं ना, मेरे ऊपर टाइम पास करने का आरोप ही है अगर, तो अब बताओ यहाँ पर कि अगर मैं इसको a इज इक्वल टू 8 को यहाँ ले आऊँ और अब मैं कंसोल डॉट लॉग a करूँ, तो यहाँ पर एरर क्यों आया ये बताओ आप लोग। ठीक है, तो एरर यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जब भी हम लेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, ठीक है। और अगर मैं इसी को वायर भी कर दूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको वायर कर दूँ, मैं सेव करूँ इसको और मैं रीलोड करूँ, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और लेट कर दूं अगर मैं इसको, तब क्या होगा, तब यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा। तो इसका क्या रीज़न है, जो लेट होता है उसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है और जो वायर होता है उसका ग्लोबल स्कोप होता है। यानी कि अगर आपने किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर, किसी वाइल लूप फॉर लूप के अंदर लेट का प्रयोग किया है, तो उस ब्लॉक से बाहर आने के बाद वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, यानी कि आप लोग को एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के मुख्य रूप से स्कोप्स होते हैं। एक होता है ब्लॉक लेवल स्कोप जो कि हमने अभी आपको बताया, एक फंक्शन स्कोप और एक ग्लोबल स्कोप, ठीक है। लेट एंड कॉन्स प्रोवाइड ब्लॉक लेवल स्कोप विच मीन्स दैट द वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट, ये लिखा है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ए यहाँ पर अवेलेबल अब नहीं होगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप हम एक फंक्शन बना दें तो फंक्शन के बाहर आप लोगों को वो वेरिएबल नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन स्कोप है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूँ और मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, जैसे मान लो मैं अगर इसी को एक फंक्शन बना दूँ, फंक्शन ए, लेट ए इज इक्वल टू, मैं ax कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग मान लो a करूँ मैं, और मैं ax को रन करूँ यहाँ पर, इसको मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, अगर मैं ax को यहाँ पर रन करूँ तो मुझे 8 देखने को मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं कंसोल डॉट लॉग a करूँगा ना यहाँ पर, मैं इसको ज़रा लाइन को नीचे ले आता हूँ, तो देखो ax का आउटपुट तो यहाँ पर आ जाएगा 8, लेकिन a डिफाइंड नहीं रहेगा क्योंकि इसका फंक्शन स्कोप है। ग्लोबल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट p इज इक्वल टू मान लो 9, तो मैं p को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग p करके भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर बनाया तो p की वैल्यू 9 जो है वो प्रिंट हो जाएगी, और मैं इसी p को यहाँ भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं रीलोड करूँगा यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर ये p यहाँ भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब आप कंफ्यूज मत होना फंक्शन स्कोप से और लोकल स्कोप से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ब्लॉक स्कोप, जब ब्लॉक के अंदर होता है, फंक्शन और ब्लॉक दोनों लोकल स्कोप्स होते हैं, ठीक है, दोनों लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ब्लॉक स्कोप हम तब यूज़ करते हैं वर्ड जब हम एक ब्लॉक का इस्तेमाल करें, और हम लोग फंक्शन स्कोप तब यूज़ करते हैं जब ये चीज़ एक फंक्शन के अंदर होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल भी मत होना, मुख्य रूप में दो तरह के होते हैं जो स्कोप्स हैं, लोकल ग्लोबल। लोकल में ब्लॉक और फंक्शन आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर लोकल ग्लोबल ब्लॉक स्कोप मैंने हेडिंग दे रखी है, बट यहाँ पर मैंने ब्लॉक फंक्शन और ग्लोबल बनाया हुआ है, तो यहाँ बेसिकली मेरा मतलब था फंक्शन ग्लोबल एंड ब्लॉक स्कोप्स। तो जस्ट मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। लोकल में आपके पास ब्लॉक और फंक्शन स्कोप आता है और बाकी ग्लोबल स्कोप आता है। क्विक वीडियो जस्ट आपके लिए बनाना चाहता था। जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी एक्सेस नहीं किया है, तो इसको एक्सेस ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। We'll be right back.